रक्षक अभियान में उज्जैन जिले को राज्य स्तरीय सम्मान मिला है। सीएमएचओ सहित 3 अधिकारियों को पुरस्कृत किया गया है। दस्तक अभियान के तहत 5 साल से कम उम्र के बच्चों की घर बैठे बीमारियों का पता कर उन्हें चिकित्सा सेवाएं देने के लिए सीएमएचओ डॉक्टर महावीर खंडेलवाल सहित जिले के 3 अधिकारियों को राज्य स्तर पर पुरस्कृत किया गया है। डॉक्टर खंडेलवाल ने बताया, दस्तक अभियान वर्ष 2019-20 के प्रथम चरण का आयोजन 10 जून से 31 जुलाई तक किया गया था। इस दौरान उत्कृष्ट कार्य करने पर अपर मुख्य सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर महावीर खंडेलवाल, जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर केसी परमार व प्रभारी जिला कार्यक्रम प्रबंधक परविंदर बग्गा प्रभारी को राज्य स्तर से प्रशस्ति पत्र प्रदान कर पुरस्कृत किया गया है। सीएमएचओ डॉक्टर खंडेलवाल ने कहा कि दस्तक अभियान में उत्कृष्ट कार्य करने का श्रेय स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों को जाता है, जिन्होंने अभियान में पूरी मेहनत से कार्य करते हुए 5 साल से कम उम्र के बच्चों में प्रमुख रूप से होने वाली बीमारियों की पहचान कर उन्हें चिकित्सा सेवाएं प्रदान की। अब 11 जनवरी से 13 फरवरी तक जिले में दस्तक अभियान चलाया जाएगा। अभियान 11 तारीख से शुरू हो रहा है। दस्तक अभियान में गत वर्ष भी हमने प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ स्थान हासिल किया था और अभी से हमारी तैयारी शुरू हो गई है। अभी हम लोगों ने जितने दस्तक अभियान में जो स्टाफ पार्टिसिपेट करेगा उनकी ट्रेनिंग शुरू कर दी है, जो ट्रेनिंग 9 तारीख तक चलेगी। हमें उम्मीद है कि गत वर्ष की तरह इस वर्ष भी हम दस्तक अभियान में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देंगे। गत वर्ष के अभियान की वजह से मुझे सीएमएचओ, हमारी एनएचएम की डीपीएम परविंदर बग्गा और हमारे डीआईओ डॉक्टर परमार को विशेष सर्टिफिकेट भोपाल